हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप बात करते हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग और एडवांस एक्सेल के ऊपर। दोस्तों, यहां पे हमने एक क्वेश्चन पूछा था फेसबुक पे कि एक्सेल का कौन सा फॉर्मूला आप सीखना चाहते हैं। मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और हमारे कुछ फेसबुक पेज के लाइकर हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा है। सबसे पहले मनोज वर्मा जी, जिन्होंने पूछा है ऑफसेट, मैच और इंडेक्स फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए इसको समझाते हैं पूरी डिटेल में। अब आपके पास देखिए, सामने मैंने एक डेटा आपको प्रेजेंट किया है। मुझे इस डेटा के ऊपर आईडी के बिहाफ पे क्या चाहिए? आईडी के बिहाफ पे चाहिए कि आईडी नंबर अगर 10 है, यहां मैं लिखता हूं आईडी 10 है, तो इसका यहां होना चाहिए कि सिटी क्या हो। वी लुकअप के जरिए नहीं ले सकते हम। हाँ, आपके पास अगर एक्स लुकअप का फॉर्मूला है तो एक्स लुकअप का फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें मुझे सिटी दिखाना है इस तरह से। तो कैसे करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूला? इक्वल एक्स लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट किया अपना टेबल, कॉमा, मैंने सिलेक्ट किया क्वांटिटी जो मुझे चाहिए, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर आपके पास लुकअप फॉर्मूला ना हो, क्योंकि पुराना वर्जन आपके पास है, तो क्या करें? ऐसे केसेस में हम मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच का उपयोग करते हैं। यहां हमने लगाया फॉर्मूला किसका? मैच का। मैच फॉर्मूले में हमने आईडी को सिलेक्ट किया और यहां से मैंने चूज किया आईडी को, कॉमा 0। मैच ने क्या किया, इस 10 का सिक्वेंस रो नंबर शो कर दिया कि ये हमारा 10 जो है 11 नंबर रो पे है। यहां से काउंटिंग करेंगे तो 11 आएगा। इस 11 से कोई लेना देना नहीं है, एक काउंटिंग करता है 11 का है। अब हमारे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला है। इंडेक्स फॉर्मूले में अगर मैंने पूरे को चूज कर लिया और यहां पे मैंने बोला कि मेरा रो नंबर 11 और कॉलम नंबर 2 का डेटा दे दे, तो ये दे देगा। इस डेटा में से रो नंबर 11 और कॉलम नंबर 2, आप देखिए इसका डेटा वैल्यू दे दिए। तो अगर मैच और इंडेक्स को एक साथ लगाया जाए तो वी लुकअप की तरह वर्क करेगा, जो कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरह का डेटा शो करेगा। लेकिन इसके लिए आपका पूरा डेटा सिलेक्ट करना हो। अब यहीं पे हम यूज करते हैं ऑफसेट को। ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, रो नंबर मैंने 11 सिलेक्ट कर ली, लेकिन इसमें एक कम करना पड़ता है, कॉलम नंबर हमने कर दिया 1। तो ये आपके सामने। अगर मैं ऑफसेट मैच का भी यूज करूं तो यहां पे हम वी लुकअप जैसा कर सकता हूं। लेकिन ऑफसेट की खासियत क्या हुई कि मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑफसेट का एक यूज और होता है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए बड़ा डेटा, एक बड़ा डेटा। तो डैशबोर्ड, हम यहां पे आते हैं, डैशबोर्ड 9 को सिलेक्ट करते हैं, एक बड़ा सा डेटा है इसकी को लेता रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस डेटा पे मैं बनाता हूं अपना पिवट। पिवट में हर बार मैं डेटा जब नीचे ऐड होता है तो मुझे हर बार डेटा को इसके अंदर डालना। तो यहां हम ऑफसेट फॉर्मूला से डायनेमिक रेंज पिवट लगा सकता हूं। यहां पे मैं दिया ऑफसेट, हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, हमने बोला स्टार्ट 0,0, और इसकी हाइट के लिए मैंने ले लिया काउंट, काउंट ए एंड कॉमा, विड्थ के लिए भी मैं सेम काउंट ए ली। और यहां पे एंटर करेंगे डेटा। अब इस पूरे डेटा को क्या करें, कॉपी कर लें। और अच्छा होगा कि आप डिफाइन नेम में चले जाएं और डिफाइन नेम में हम यहां नेम बना। लेकिन यूज करने से पहले अब क्या करेंगे, जितने भी रेफरेंसेस है सबको कर देंगे F4, 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 फ्रीज। और यहां पे मैंने इसका नाम DT डेटा कुछ ऐसा। अब मुझे किसी भी सीट पे पिवट लगाना है तो इंसर्ट पिवट, और मैं यहां पे DT सिलेक्ट कर रहा हूं, पिवट लग जाए। और कल के डेट में डेटा अगर बढ़ता है तो पिवट में जस्ट रिफ्रेश कीजिए, अपने आप पिवट रेंज बढ़ा लें।
अब इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल ऑफसेट से हो सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्लीट एक्सेल को जानना जरूरी है। अगर आप कंप्लीट एक्सेल एंड डैशबोर्ड वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं हमारे साथ। हमारी एक बैच शुरू हो रही है रात को 10 बजे 10 मई से, जिसमें हम कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड और साथ में वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, दो अलग अलग बैचेज हैं, दोनों को लेके चल रहे हैं। तो मंडे वेनेसडे फ्राइडे आपको एडवांस एक्सेलेंट डैशबोर्ड और आपको ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की क्लासेज होगी, 1 घंटा रात को 10 से 11, और इसकी फीस इस कोर्स की 2,000 रुपये होगी। 12 से 15 लोगों का सीट है, तो फटाफट अपनी सीट को कीजिए बुक। थैंक यू।